वेटर 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 कहाँ मर गया ये वेटर, सुन ही नहीं रहा। पापा यार आप कहाँ लेकर आए हो, इतनी लेट सर्विस है यहाँ की। अरे बेटा यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, आज पता नहीं क्यों थोड़ा लेट हो रहा है, डोंट वरी। क्या है ये सब, वो इतनी देर से वेटर वेटर आवाज मार रहे हैं, वो जा क्यों नहीं रहा ऑर्डर लेने के लिए। सर वेटर का कोई स्टाफ ही नहीं आया सर। तो तुम यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो, कोई स्टाफ नहीं आया, मेरे को जाना पड़ेगा ऑर्डर लेने के लिए। माफ करना सर थोड़ा लेट हो गया, बताइए क्या ऑर्डर है आपका। अरे कहाँ रह गया था तू, कितनी देर से तेरी वेट कर रहे हैं यार। सॉरी सर। अरे बेटा ये तो वही है ना रोशन, पहचाना है इसको जिससे तेरी शादी होने वाली थी बेटा। अरे हाँ मम्मी ये तो रोशन है, आप इससे मेरी शादी करने वाले थे, इस बेटा से। सुनो जी बहुत अच्छा हुआ कि हमने अपनी बेटी की शादी इससे नहीं कराई, नहीं तो ये उसको भी वेटरस बना देता अपने साथ। अरे नमस्ते, कैसे हो आप लोग। अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, लगता तुम अच्छे नहीं हो। अरे सुनो अच्छा हो गया कि हमें इसकी असलियत पता लग गई, अगर तेरे साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हैं तो बर्बाद हो जाते। अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी तक नाराज हो क्या, छोड़िए ना सब पुरानी बातें हैं, आप लोग मेरे खास कस्टमर हो तो आपको जो भी खाना हो खाना, और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। अरे रहने दे बेटा रहने दे, बिक जाएगा तू, हमें कुछ नहीं खिला पाएगा। अरे हाँ बेटा हमें खिलाते खिलाते ना कंगला हो जाएगा, तेरी पूरी सैलरी लग जाएगी, बात कर रहा। आप लोग बिल्कुल नहीं बदले, आपने उस तरफ मेरे ही और मेरी माँ की बेइज्जती करके वहाँ से भगा दिया, आप लोगों ने मेरी बात भी नहीं सुनी, और आप आज मुझे वेटर समझ के इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। अरे तू दिख रहा है यार, इसमें लगना क्या है, क्या क्या कर क्या समझ रखा है तूने अपने आप को। पापा इसे समझाओ, ये अपनी औकात में रहे, कहीं ऐसा ना हो इसकी नौकरी चली जाए। देखिए पैसों का इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता, अगर मैं सच में वेटर होता ना तब भी आपका कोई हक नहीं बनता ऐसे मेरी बेइज्जती करने का। क्या यार आप भी ऐसे छोटे मोटे वेटर से बात कर रहे हो, ओए चल फटाफट हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आ। आप लोग बताइए क्या ऑर्डर है, मैं अभी आपके लिए लगवाता हूँ। सर मैंने वेटर स्टाफ को कॉल कर लिया है, सारे वेटर्स आते होंगे, आप ऑफिस में बैठे यहाँ मैं देख लूँगा। कोई बात नहीं मैं देख रहा हूँ उन्हें, उनका जो भी ऑर्डर है मैं लेके जाता हूँ। ऑफिस, अरे ऐसे फर्नीचरों का भी ऑफिस होता है क्या, हैं बेवकूफ समझा हुआ है मैं क्या। ये क्या बात कर रहे हैं आप, वो हमारे बॉस है और आप हमारे बॉस के साथ बदतमीजी कर रहे हो। ऑनर, ये ऑनर है यहाँ का। जी हाँ मैं यहाँ का ऑनर हूँ, हमने पहले भी आप लोगों को धोखा नहीं दिया था, जो सस्ता बस वही कहा था, पर शायद आप लोगों को सच पसंद नहीं आया। वो क्या है ना प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ना अपने आप को बहुत बड़े पैसे वाले लोग समझते हो और लोगों की इज्जत नहीं करते हो, पर हम लोग उनमें से नहीं हैं। हम लोगों को पता है कि किस तरह इंसान पैसे कमाता है, किस तरह मेहनत करके ऊंचाइयों पे पहुंचता है, इसलिए मैं मेहनत करने से कभी नहीं शर्माता। हाँ अगर आप लोग मेरे को वेटर समझ के अगर मेरी इंसल्ट करोगे तो भले ही आप लोगों को लगता होगा आपने बड़ा काम किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये मेरा काम है और अपने काम में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अरे माफ करना बेटा, अनजाने में ये सब हम बोलते चले गए, अनजाने में गलती होगी बेटा, है प्लीज। हाँ बेटा देखो मुझे भी माफ करना, मुझे भी ना गलत फहमी हो गई थी, तुम तो हमारे बहुत अच्छे बेटे हो ना, वो एक्चुअली मुझे लगा कि तुम इस रेस्टोरेंट के ना वेटर हो, सो दैट्स व्हाई मैंने तुमसे ऐसे बात कर ली, सो सॉरी बेटा। आप लोग माफी वाफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता, आप लोग बड़े हो, आप लोग पहली बार मेरे रेस्टोरेंट में आए हो। सुनो सुमित इनके साथ बेस्ट ट्रीट होना चाहिए, इनको किसी चीज़ की कमी महसूस मत होने दो, दो वेटर हमेशा इनके आसपास होना चाहिए, कुछ भी खाए सब लेकर आओ पर इनसे बिल मत लेना, ठीक है। अच्छा जी मैं चलता हूँ, नमस्ते।